नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं idiom से phrases। सबसे पहले बता देता हूँ कि idiom phrases होता क्या है। idioms का मतलब होता है कहावतें और phrases का मतलब होता है वाक्यांश, अर्थात वे वाक्यांश जो एक कहावत पैदा करते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो शब्दों का एक योग होता है, जो शब्दों का एक समूह है होता है, उसका जो अर्थ है उस अर्थ से भिन्न एक अर्थ पैदा किया जाता है, निकाला जाता है, वो ही चीज आपकी क्या कहलाती है, कहावतें वाक्यांश कहलाती है। यानी कि साधारण तौर पर हम इसे कहावतें कह सकते हैं। हाँ, तो अब बारी आती है इन कहावतों की, इन मुहावरों की। तो सबसे पहले है आपका ए बैकर्स डजन। ये जो कहावत है वो यूएसए में प्रचलित है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रचलित है। कहा जाता था कि वहां के कुछ बैकर्स, मतलब जो बेकरी बनाने वाले लोग हैं, जो बिस्कुट वगैरह बनाने वाले लोग हैं, वो लोगों को चूना लगाया करते थे। और किस तरीके से चूना लगाया करते थे, वो चूना किसी भी चीज की क्वालिटी कम करके और कोई एक एक्स्ट्रा चीज डाल दिया करते थे। यानी कि जहां पे उन्हें 12 चीजें देनी होती थी, वो चीजें क्या है, 13 दे दिया करते थे। इसीलिए इस कहावत को एक नाम दिया गया, 13 अर्थात ए बैकर्स डजन का मतलब एक कहावत है जो यूएसए में चलती है, और इसका मतलब क्या है, 13 शब्दों का एक समूह है, मतलब ए बैकर डजन एक कहावत के रूप में प्रचलित होता। हाँ, दूसरी जो कहावत है वो आपकी एड फ्यूल टू द फायर। ये अपने इंडिया में यूज की जाती है और इसका मतलब जो है वो कहा जाता है कि आग में घी डालने का काम करना, आग में घी डालने का काम करना, मतलब एड फ्यूल टू द फायर। एड एड मींस जोड़ना, फ्यूल फ्यूल का मतलब कोई, फ्यूल फ्यूल का मतलब जैसे कोई ईंधन वगैरह डालना, कि ईंधन जोड़ दिया गया है टू द फायर, आग में। और ये जो कहावत है वो अपने इंडिया की कहावत है, कहते ना कि आग में घी डालने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आग में घी डालने का काम, मतलब ये कहावत है एड टू द फायर। ए डार्क हॉर्स, अब बात आती है ए डार्क हॉर्स, ये भी यूरोपीय देशों की कहावत है। इसका मतलब होता है कि एक काला घोड़ा न होकर, ये कहते हैं कि एक योग्य व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, लेकिन वो क्या हो, अदृश्य हो, अदृश्य हो। अगर हम बात करें किसी भी जानवर की, उसमें से घोड़े की बात करें, तो कहा जाता है कि जो काले रंग का घोड़ा होता है वो काफी बेस्ट, अच्छा माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। इसीलिए जितने भी लोग अगर घोड़ा लाना चाहते हैं, घोड़ी लाना चाहते हैं, तो काले रंग की लाते हैं। और ये एक कहावत के रूप में यूरोप में प्रचलित है कि वो लोग ऐसा मानते हैं कि जो आपका काले रंग का घोड़ा होता है वो इतना ही सर्वश्रेष्ठ होता है जैसे कि एक हमारा प्रतिद्वंदी हो लेकिन दिखाई न देता हुआ हो और योग्य व्यक्ति हो। तो ये भी एक कहावत का ही कार्य करता है। इसके बाद में है चार नंबर पे ए रेनिडे। रेनिडे का मतलब होता है, अब मैं आपको ले चलता हूं वापिस से यूरोपीय ही देशों में। इंडिया में अगर कहीं बारिश होती है तो लोग बड़े खुश होते हैं, लोग क्या होते हैं, बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हमारे भारत में है वो नए के बराबर बारिश होती है। और यदि मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में हर दूसरे तीसरे घंटे बारिश होती रहती है। मान लो कि यूरोप के देशों में किसी प्रकार का विवाह समारोह है और वहां पे हर दूसरे घंटे बारिश हो रही है, तो वो उनका दिन क्या हो गया, खराब हो गया, बुरा हो गया। इसीलिए यूरोप के लोग हैं इसे अशुभ, मतलब एक बुरी चीज मानते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि ए रेनी डे का मतलब होता है बुरा समय। ये भी एक कहावत के रूप में प्रचलित है। चौथी जो चीज है, पांचवी जो चीज है वो भी एक कहावत के रूप में यूज की जाती है, ए डॉग इन मैनेजर, मतलब एक कुत्ता क्या बन बैठा है, किसी का अधीक्षक बन बैठा है, अधीक्षक या अध्यक्ष बन बैठा है, या फिर ये कहें कि मैनेजर बन बैठा है, कि क्या एक कुत्ता एक मैनेजर हो सकता है। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी ए डॉग इन मैनेजर, कि क्या एक कुत्ता कोई अध्यक्ष हो सकता है, कि ये एक कहावत है यूरोपीय देशों में प्रचलित है, अपने इंडिया में कभी यूज की जाती है। और विदेशी जो लोग हैं वो कहते हैं कि ए डॉग का मतलब होता है स्वार्थी। क्या होता है, स्वार्थी, मैनेजर एक अधीक्षक, मतलब एक स्वार्थी आदमी की बात हो रही है, और उसके लिए विदेशी लोगों ने कहावत बना रखी है, क्या, ए डॉग इन मैनेजर।
आज के लिए सिर्फ पांच ही आपकी इडियम से हैं, कल हम और एक नए वीडियो के साथ में पेश होंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, सो आप इसके लिए मुझे एक फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, मोस्ट थैंक यू।